आज बानरहाट धर्मशाला के समीप सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें बानरहाट बिन्नागुड़ी सहित आसपास के इलाके से सैकड़ों धर्म प्रेमी उपस्थित हुए। लोगों ने जमकर भजन कीर्तन का आनंद लिया। शाम 5 बजे से उसी जगह श्री खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन के आयोजन की गई। इसमें कोलकाता से आए भजन गायिका स्वाति अग्रवाल के मधुर भजन एवं जयगांव से श्री खाटू श्याम भजन मंडली की टोली द्वारा प्रस्तुत संगीत रस के आनंद में लोग भक्ति के भाव में विभोर होकर झूमते नाचते गाते हुए दिखे। यह बताते चले कि खाटू श्याम जी के इस कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार बानरहाट में शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई थी। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाने वाले अनिल गर्ग, आदित्य शर्मा, अजय चौधरी, पवन सरावगी, अमित जैन, गोपाल मित्तल, कैलाश मुंद्रा, प्रदीप सिंघल आदि मुख्य रूप से अपना सेवा और भक्ति प्रकट करते हुए कार्यक्रम में साथ दिया। जो जहाँ से शुरू हो वहीं से लाइन लगा करके बाहर आ कुंड के चारों तरफ देखिए, चलने में गिरिएगा नहीं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जल कीजिए, कार्यक्रम है यहाँ पर। ये अनिल कुमार गर्ग जी अपने साले साहब के 25 वर्ष विवाह के पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ का इन्होंने आयोजन किया है। गायत्री परिवार को निमंत्रण दिया है और ये गायत्री परिवार के हम सभी भाई आकर के इनके यहाँ यज्ञ समर्पित कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज? कार्यक्रम भी यज्ञ में यह पूर्णा होती है। मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, दुर्भाव समाप्त हो और मनुष्य में सद्भाव की उत्पत्ति हो, सद्भाव जागृत हो और यह संसार जो है, यह घर, समाज, गांव और देश पूरा देवताओं, देवी देवतियाओं से भर जाए और यह पृथ्वी स्वर्ग समान हो जाए। इस यज्ञ से क्या क्या पुण्य मिलता है? इस यज्ञ से सबसे पहला पुण्य होता है कि जो वातावरण आज बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुका है, सारे गैसों की समुचित उचित मात्रा जो अभी बिल्कुल अपने प्रतिशत सही प्रतिशत मात्रा को छोड़ रखी है, किसी गैस की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इस हवन कुंड में 120 प्रकार के औषधियाँ हैं जिसे अग्नि और घी के साथ हवन करने से, जलाने से, उसके धुएँ से जो आज का विज्ञान प्रमाणित कर रखा है, यह वायुमंडल का प्रदूषण दूर होता है और रोग के जो जीवाणु हैं फैलाने वाले वह भी नष्ट होते हैं, पर्यावरण का परिष्कार होता है, परिशोधन होता है। मैं सागर गुरु बानरहाट सांगठनिक ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस का कन्वेनर, आप सभी देशवासियों एवं बानरहाट के समस्त निवासियों को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना जनाता हूँ। यह नव वर्ष आप सभी के लिए नई नई खुशियाँ लाए। आप देख रहे हैं हमारे इलाके के चैनल NVI न्यूज, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
एनबीआई चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एनबीआई चैनल के माध्यम से जो डुआर्स तराई डुआर्स का जो ज्वलंत मुद्दों का उजागर हो रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और मैं एक विधायक के हिसाब से समस्त मेरे विधानसभा मादरी और विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनगण को नववर्ष के उपलक्ष्य में अभिनंदन, ताकि अगले नया साल सुख शांति और समृद्धि में बीते और मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र में शांति आए और आने वाले साल में हम लोगों को डेवलपमेंट का मुख देखना पड़े। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनबीआई चैनल जो है समस्त ज्वलंत मुद्दों को हाईलाइट करती है, उजागर करती है, इसलिए समस्त केवल मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र ही नहीं समस्त तराई डुआर्स के जनगण से आवेदन करना चाहता हूँ कि एनबीआई टीवी को देखें, एनबीआई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब फेसबुक जो है उसको देखें और अपना कमेंट्स भी वहां पर दें। और क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दों को उजागर करते हैं, इसलिए देखना भी जरूरी है। इसलिए आप लोगों से आवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।